हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। दोस्तों, आज की वीडियो में सागवान की लकड़ी पर नेचुरल पॉलिश किस तरह की जाती है। दोस्तों, ये सागवान लकड़ी का सोफ़ा है। दोस्तों, इसमें सभी काम हाथ से किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। इसी तरह की पिंड और पॉलिश की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहले हम माल बना लेंगे। दोस्तों, यह चंद्रस है और GCI हिमालय कंपनी का NC थिनर है। आपको पेंट की दुकान पर मार्केट में 125 रुपये पर लीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रस बनाने के लिए पहले हम कपड़े पर इसको डाल लेंगे। कपड़े में बांध कर डब्बे में डाल देना है इस तरह से। दोस्तों, कपड़े में बांध कर चंद्रस बनाने में ये फ़ायदा होता है दोस्तों, इसका माल अलग होता है और कचरा अलग रहता है, जिससे कि आपका थिनर वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, यह लाकदाना है, इसी तरह से हम लाकदाना को बनाएंगे जिस तरह से चंद्रस हमने बनाया था। तो 200 ग्राम लाकदाना है दोस्तों ये, और इसमें 1 से 1.5 लीटर स्पीड हम इसमें डालेंगे। इसको भी कपड़े में बांध देंगे, एक डब्बे में डाल देंगे, इसको धूप में रख देंगे दोनों चीज़ों को गलने के लिए। दोस्तों, ये स्पीड है, स्पीड थिनर, ये मार्केट में 110 रुपये लीटर मिलता है। इससे अच्छे क्वालिटी के भी आते हैं। दोस्तों, हम 1.5 लीटर इसमें डालेंगे। 200 ग्राम का लग जाना है हमारे पास। तो दोस्तों, इस तरह से माल को गलाना है और इसको धूप में रख देना है। दोस्तों, ये देखिए सागवान की लकड़ी का सोफ़ा है। अब इसमें हम 60 नंबर और 80 नंबर से सैंडिंग करेंगे पहले। चलिए सैंडिंग करते हैं। दोस्तों, ये देखिए सैंडिंग पेपर है 60 नंबर और ये 80 नंबर पेपर है। तो पहले हम 60 नंबर से इसकी सैंडिंग करेंगे लकड़ी को। चलिए सैंडिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, इसको जितना दबा कर मानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और इसको मानते रहना है जब तक इसका रेसा ना खुल जाए लकड़ी का, क्योंकि दोस्तों ये सागवान की लकड़ी है, इसमें रेसे बहुत होते हैं। तो जितनी इसकी मजाई करेंगे उतने ही इसका रेसा ऊपर आता रहेगा। इस तरह का दबा दबा कर इस तरह से आपको मानना है दोस्तों, पूरी ताकत लगा लगा कर जितना हो सके इसकी मजाई करिए दोस्तों, सभी रेसे इसके बाहर आ जाएं। तो चलिए फटाफट हम मजाई कर लेते हैं हम पहले, फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस बताते हैं क्या है आगे के प्रोसेस। दोस्तों, अब हम पुट्टी बनाएंगे, नेचुरल पुट्टी। दोस्तों ये रासेना है और ये रेड चौक मिट्टी है और ये तरकी अंबर है ब्राउन कलर। ये आपको मार्केट में 25 रुपये में मिल जाएगा और रासेना आपको 25 रुपये पैकेट मिल जाएगी और रेड सेना आपको 25 रुपये पैकेट मिल जाएगी। सभी 25-25 रुपये पैकेट है। और दोस्तों, ये वाइट कलर चौक मिट्टी है। इन चारों चीज़ों को हमको ज़रूरत पड़ेगी पुट्टी बनाने के लिए। अब सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा लेना है दोस्तों हिसाब से, और मिक्स कर लेना है सभी को। और उसकी मजबूती के लिए हम फेविकोल का यूज करेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है एकदम मक्खन के जैसा। चलिए हम इसको पेस्ट बना लेते हैं पहले। दोस्तों, इस तरीके से पेस्ट बनाना है आपको, जिस तरह हमने वीडियो में बनाया है। दोस्तों, हमने 60 नंबर और 80 नंबर से सैंडिंग कर दिया है। अब हम इस पर पुट्टी चेक करेंगे, जहाँ फटी हो या कीले लगे हुए वहाँ पर चेक करना है इसको अच्छे से देखकर, और जहाँ पत्ती नहीं चल पाती वहाँ पर हाथ से चेक कर लेना है इसको इस तरह से।
सभी जगह देख कर चेक करना है दोस्तों, कहीं भी छूटा ना रहे। इसके बाद दोस्तों हम 150 नंबर से इसकी सेंडिंग करेंगे। दोस्तों यह 150 नंबर वाटर पेपर है, अब इसको दबा कर सेंडिंग करना है जिससे कि इसकी पुटीन भी साफ़ हो जाए और लकड़ी की जो नस उभरी हो बैठ जाए, लकड़ी एकदम स्मूथ हो जाए और मटेरियल कम लगेगा इस तरह से सेंडिंग करने से। तो इसको दबा कर सेंडिंग कर लेते हैं पहले। दोस्तों इसको माँजने के बाद हम पाउडर का स्टैंड बनाएंगे कलर के लिए। चलिए पाउडर बना लेते हैं। दोस्तों पाउडर बनाने के लिए रेड चौक मिट्टी ज़रूरत पड़ेगी और रासेना, तरकी अंबर ब्राउन कलर और वाइट चौक मिट्टी और टेटेरियम। अगर लाइट टोन पर रखना है दोस्तों येलो कलर को, तो आप टेटेरियम को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये टेटेरियम पाउडर है, ये आपको मार्केट में 20 रुपये का 50 ग्राम मिल जाएगा। ये लाइट टोन के लिए होता है। अगर आप कोई भी कलर कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा लाइट रखना है तो आप इसको डालिएगा तो ये लाइट हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों मार्केट में वो टीक वुड स्टनर आता है, उसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों पाउडर से फ़ायदा होता है, पाउडर लगाने से क्या होता है, लकड़ी की नस भर जाती हैं तो सिलर का कम यूज होता है। तो दोस्तों सभी को मिक्स कर देना है इस तरह से। अब मिक्स करने के बाद दोस्तों पानी में घोल बना लेना है और घोल बनाने के बाद लकड़ी पर अप्लाई कर देना है। देखिए दोस्तों हमने घोल बना लिया है, अब लकड़ी पर अप्लाई कर रहे हैं। इसको अप्लाई करते रहिए और पोंछते रहिए, ये सूख ना पाए। और इसको पतला ही बनाना है दोस्तों, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। अगर मोटा बना देंगे तो लकड़ी के रेशे छिप जाएंगे। और सूखने से पहले उसको दोस्तों पोंछ देना है और रगड़ रगड़ के इसको लगाना है दोस्तों, दबा दबा कर लकड़ी की नस में घुस जाइए पाउडर। चलिए दोस्तों सभी चेयर में हम पाउडर लगा लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। तो दोस्तों सभी चेयर में हमने पाउडर लगा लिया है, पाउडर हमारा सूख भी गया है। तो अब हम इस पर लाख दाना अप्लाई करेंगे दो हाथ। दोस्तों यह लाख दाना जो हमने गलाया था ये गल चुका है अच्छे तरीके से। अब इसको दो हाथ अप्लाई करना है लकड़ी पर। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं लकड़ी पर। तो दोस्तों लाख दाना हमने कपड़े पे गलाया था, कपड़े में बांध कर। देखिए दोस्तों ये फ़ायदा हुआ, इसको हमको छानना नहीं पड़ेगा, कचरा इसका अलग रहेगा और माल अलग हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो कभी आप लाख दाना गलाइए या चंदा से गलाइए तो कपड़े में बांध कर गलाइए। तो चलिए हम लाख दाना अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। और दो दो हाथ इसमें मारेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं मारेंगे नहीं तो डार्क हो जाएगा। तो दो हाथ करना है बस। दोस्तों इसके बाद हम फिर पुट्टी चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों पुट्टी एक बार में नहीं चेक हो पाती, एक से दो बार, दो से तीन बार किया जाता है चेक। तो पहले हम लाख दाना सभी अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर पुट्टी चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों लाख दाना हमारा हो गया है, अब हम पुट्टी चेक कर लेते हैं फटाफट सभी जगह पर। क्योंकि दोस्तों जोड़ एक बार नहीं भर पाता, दो से तीन बार भरना पड़ता है तभी जाकर जोर भरता है दोस्तों। तो सभी जगह हम पुट्टी चेक कर लेते हैं फटाफट, इसके बाद आगे के प्रोसेस बता देते हैं।
तो दोस्तों हमने सभी जगह पर पुट्टी चेक कर लिया है। अब इसको हम 220 नंबर से सैंडिंग करेंगे दबाकर, और सैंडिंग करने के बाद इसको हम सिलर अप्लाई करेंगे इस पर। तो चलिए हम इसको सैंडिंग कर लेते हैं 220 नंबर से। दोस्तों दबा दबा कर सैंडिंग करना है इसको, पुडिंग को सभी जगह से छुड़ा देना है, नहीं दोस्तों सिलर चढ़ाने पे धब्बे आ जाएंगे, धब्बे दिखेंगे अच्छा लगेगा देखने पर, बद्दल लगेगा देखने पर। दोस्तों ये सैंडिंग सिलर है, ये आपको मार्केट में 1 लीटर का पैकेट 230 रुपए का मिल जाएगा। और ये है एनसी थिनर GCI हिमालय कंपनी का, ये 1 लीटर का पैकेट आपको मिल जाएगा 130 रुपए का। तो इसको हम पतला करेंगे थिनर से, आप अपने हिसाब से पतला कर लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं करना दोस्तों, पतला ही बनाना है सिलर को। दबा कर गद्दी चलाना है और इसकी फुल भराई कर लेना है सिलर की। तो चलिए दोस्तों हम फुल भराई कर लेते हैं सिलर की। देखिए दोस्तों हमारी सिलर की भराई हो गई है, इसकी नस भर चुकी है। अभी और इसमें मारेंगे हम, जितना हो सके उतने ही सिलर को मारिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सिलर इसका मेन काम होता है। जितना इसमें सिलर भरेंगे आप तो उतना ही फाइबर लुक में ये आएगा, उतनी ही इसमें चिकनाहट आएगी, शाइनिंग आएगी और लकड़ी एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो इसको मारते रहिए जब तक कि नस ना भर जाए, तब तक इसको मारते रहिए सिलर को दबा दबा कर। दोस्तों इसके बाद हम पुट्टी इसमें चेक कर लेंगे दोबारा। तो दोस्तों सिलर हमने भरा, सिलर की भराई हमने कर दिया है, अब इस पर हम पुट्टी दोबारा चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों एकदम स्मूथ हो गया है सिलर भरने के बाद। तो अब इस पर हम पुट्टी चेक कर लेंगे। दोस्तों हमने पुट्टी चेक कर लिया है तीसरी बार, अब इसको हम 220 नंबर से सैंडिंग कर देंगे। अब सैंडिंग इस तरह से करना है दोस्तों, इसकी पुट्टी भी साफ़ हो जाए और सिलर कटाई भी हो जाए। तो चलिए सैंडिंग कर लेते हैं 220 नंबर से। दोस्तों इसके बाद हम चंदा अप्लाई करेंगे 4-5 हाथ, और 4-5 हाथ अप्लाई करने के बाद इसका कलर टच करेंगे, जहाँ पे पुट्टी लाइट हो गई है उसको टचिंग करेंगे, लकड़ी कदम में सेट करेंगे। तो चलिए पहले चंदा को मार लेते हैं 4-5 हाथ। दोस्तों चंदा को दबा दबा के मारना है हाथ, तो थोड़ी बहुत नस खाली हो तो वो भर जाए। और चंदा को पतला बनाना है दोस्तों, ज़्यादा मोटा नहीं मारना है, तो गद्दी का दाग निशान पड़ जाते हैं इस पर। तो पतला माल अगर आप मारेंगे तो इसमें शीशे की जैसी चमक आएगी और निशान भी नहीं आएंगे गद्दी के। तो 4-5 हाथ मारने के बाद दोस्तों हम कलर सेट करेंगे, टचिंग करेंगे, जहाँ जहाँ पर पुट्टी लाइट हो गई है और जहाँ पर लकड़ी की कलर हल्का हो उसको हम डार्क करेंगे। तो दोस्तों कलर सेट करने के लिए हम ब्राउन अंबर लेंगे और रेड चौक मिट्टी, लाखदाना और रासेना लेंगे। दोस्तों हमारे येलो टून पे तो हम रासेना को ज़्यादा यूज करेंगे, और रेड चौक मिट्टी को हल्का लेना है और ब्राउन अंबर को हल्का लेना है, अपने हिसाब से दोस्तों मिलाना है इसको। और एक बार में नहीं हो दोस्तों, दो बार में होगा, तीन बार में होगा, लेकिन इसको सेट करना है अच्छे से, कलर को मैच करना है लकड़ी पे। दोस्तों इस तरह से हमको सेट करना है, चाहे तो आप कपड़े से सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ब्रश से। इस तरह से सेट करना है दोस्तों कलर को।
लकड़ी कलर में मैचिंग करा कर मिलाना है दोस्तों, कलर को फ़र्क नहीं करना है तो ख़राब लगेगा देखने में। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल कोट मारेंगे चंद्रश का। आप चाहे तो ग्लोसी कर सकते हो, बियो ग्लोसी या मलयम ग्लोसी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो दोस्तों हम चंद्रश का हाथ दोबारा लगा रहे हैं इस पर। अब इसमें दोस्तों जितना हो सके उतना चंद्रश अप्लाई कर देना है, और जितना आप अप्लाई करते रहोगे उतनी इसमें शाइनिंग आती रहेगी और शीशे जैसे चमक इसमें आएगी दोस्तों। हाई ग्लॉस फिनिश इसमें मिलेगा जितना आप मारोगे, जितना हाथ इसको मारोगे, और दबा कर हाथ मारना है दोस्तों। 10-12 हाथ, 15 हाथ इसमें अप्लाई कर दीजिएगा तो एक नंबर की चमक इसमें आएगी दोस्तों। अब बहुत कम दोस्तों बहुत कम खर्च में पॉलिश होती है। एक सोफ़ा सेट करने में दोस्तों आपको 700 या 800 रुपये का मटेरियल खर्च होगा। दोस्तों ये सोफ़ा मेरा दम फाइनल हो गया है, दम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, टेक केयर।